हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार शांतनु विजन सिविल सर्विस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो सीरीज जो कि करंट अफेयर्स का सीरीज है, यह 67वीं बीपीएससी प्री और सीडीपीओ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आज के वीडियो सीरीज का पहला फैक्ट आप लोग के समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यदि आप लोग को यह वीडियो सीरीज पसंद आए तो चैनल को आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ सभी विद्यार्थी जो सीरियस हैं अपने कैरियर के प्रति, वो अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को सही समय पर पूरा कर सकें। तो आज के वीडियो सीरीज का पहला फैक्ट आपके सामने यह रहा। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके प्रमुख जीन लिंकन जी हैं और इसके टोटल मेंबर 103 हैं। इसमें भारत संस्थापक सदस्यों में से रहा है। सर्वप्रथम बात आती है कि संस्थापक सदस्य क्या होता है। संस्थापक सदस्य का मतलब होता है ऐसा सदस्य जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन दिन से, यानी फॉर्मेशन दिन से ही उसका मेंबर रहा हो। यानी भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का 16 जनवरी 2016 से ही मेंबर रहा है। इस बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर चाइना का है। यानी इस बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर किस देश का है? चाइना का है। यह भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब बात आती है आखिर यह बैंक चर्चा में क्यों रहा है। इस बैंक का चर्चा में रहने का प्रमुख कारण यह रहा कि यह बैंक हाल ही में असम राज्य को अंतर स्टेट यानी अंतर राज्यीय विद्युत परियोजना के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त प्रदान किया है। हाल में ही RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के श्रेणी में शामिल किया है। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अब बात आती है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होता क्या है, तो इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उसे कहते हैं जो RBI Act 1934 के अनुसूची 2 में शामिल होता है। जब हम लोग RBI Act को पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि RBI Act में कुछ शेड्यूल बना हुआ है। शेड्यूल मतलब सूची बना हुआ है जो किसी भी एक्ट के जनरली पीछे में बना हुआ होता है। उसके शेड्यूल 2 में जिस बैंक का नाम दिया जाता है वो सारा बैंक जो होता है वो आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने से फ़ायदा क्या है? इस बैंक में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके बाद वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर वर्क में भी भाग ले सकता है। RBI के द्वारा जो कुछ पॉलिसी निर्धारित की जाती है उसमें वो भाग ले सकता है। RBI द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं और जितने भी RBI द्वारा फैसिलिटी दी जाती है वो सारे चीज़ का वो फायदा उठा सकता है। अब स्फूर्ति योजना की बात करते हैं। स्फूर्ति योजना यह पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अब बात आती है ये पारंपरिक उद्योग क्या हुआ और कारीगरों को समूह में व्यवस्थित करने से क्या मतलब है। पारंपरिक उद्योगों का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल मेरा उद्योग चलता है, जैसे हथकरघा उद्योग, घरेलू उद्योग जो कुछ SHG समूह के द्वारा होता है, कुछ ऐसा उद्योग जो अभी अनऑर्गेनाइज रूप से है काम हो रहा है लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड रूप में काम हो रहा है। उस और अनऑर्गेनाइज यानी असंगठित समूह को एक जगह इकट्ठित कर उसको समूह में व्यवस्थित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई है। नितिन गडकरी जी सिर्फ माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के मंत्री ही नहीं हैं, यह सड़क एवं परिवहन मंत्री भी हैं। इस योजना के तहत MSME ने इस योजना के लिए 85 करोड़ रुपया का वित्त प्रदान किया है। फिर से देख लीजिए, MSME मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी हैं और इस योजना के तहत 85 करोड़ रुपया MSME मंत्रालय द्वारा दिया गया है। अब बात आती है इसमें इंपॉर्टेंट क्या कौन कौन सा चीज़ है, तो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज 85 करोड़ रुपया और नितिन गडकरी और स्फूर्ति योजना। स्फूर्ति योजना का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीचे दिया हुआ है, स्कीम ऑफ फंड
फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। हाल ही के दिनों में सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल 3 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है, काफी चर्चा में रहे हैं। यह हमारे यह करंट अफेयर्स का क्रम पे हम लोग जब राष्ट्रीय घटनाक्रम में गौर करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के नए अध्यक्ष विजय श्यामला बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के नए अध्यक्ष विजय श्यामला बने हैं। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यह हमारे संविधान के आर्टिकल 338 में दिया गया है। अब किस वर्ग को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाएगा और किस वर्ग को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया जाएगा, इसका फैसला हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। संविधान के आर्टिकल 366-25, जो कि संविधान का निर्वचन खंड भी है, निर्वचन खंड उसे कहते हैं जिन्हें परिभाषा खंड है। संविधान में जो शब्द यूज होता है उसको 366 में परिभाषित किया गया है। उसमें उसके 366-25 में सॉरी उसके 366-25 में अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रपति किस वर्ग का होगा, कौन कौन सा वर्ग अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा, इसको बताता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कौन सा वर्ग शामिल होगा और कौन सा नहीं होगा, इसका फैसला कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। हाल ही के दिनों में इंग्लैंड को भारत ने इसी स्टेडियम में हराया है और WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यानी इस स्टेडियम का नाम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी स्टेडियम में इंग्लैंड को हराने के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गया है। अब बात आती है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा सिटी इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत की गई है। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा सिटी इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत की गई है। भारतीय सेना के आंतरिक संचार के लिए SAI नामक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बनाई गई है। अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी इसको मंत्रालय के द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है, यानी मंत्रालय के द्वारा इसको स्वीकृति नहीं मिली है। यदि स्वीकृति मिल जाती है तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का श्रेय कर्नल साई शंकर को जाता है, जो सेना में कर्नल हैं। अब बात आती है कि सेना के आंतरिक संचार से का क्या मतलब होता है। सेना के आंतरिक संचार का मतलब हुआ सेना, यह प्लेटफॉर्म आम जनताओं के लिए नहीं होगी, यह सेना के इंटरनल एक्टिविटी के लिए उपलब्ध होगी। SAI का पूरा नाम है सिक्योर एप्लीकेशन टू इंटरनेट। अभी क्या होता था कि सेना के लोग भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी तरह के मैसेजिंग ऐप का यूज करते थे, जिससे सेना की गतिविधियों और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को लीक होने की संभावना रहती थी। इस ऐप के आ जाने के बाद ये सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग 28 फरवरी की। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। यह दिवस सर सीवी रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज के लिए बनाया गया है, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कपड़ा मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी को राष्ट्रीय खिलौना मेला की शुरुआत की गई। पूछ सकता है आप लोग से किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खिलौना मेला की शुरुआत की गई, तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा। दिन पूछेगा तो 27 फरवरी हम लोग टिक लगाएंगे। अब ये कहाँ पे हुआ, इम्पोर्टेंट अब जगह ही पूछ देता है, इसीलिए जगह को भी ध्यान रखेंगे। IIT कैंपस गांधीनगर में वहाँ पे सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग एक कंक्लेव बना हुआ है, उसी कंक्लेव में इसकी शुरुआत हुई। खजुराहो नृत्य महोत्सव का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। अब ये जो नेक्स्ट खबर है सो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा।
भारत के पहले समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण मुंबई में किया जा रहा है। यह सुरंग 2023 तक बनकर पूरा होगा। यह चूंकि भारत में पहली बार है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस सुरंग की जस्टिस रोहिणी आयोग का संबंध ओबीसी वर्ग के उप वर्गीकरण से है। जस्टिस रोहिणी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड पूर्व न्यायाधीश हैं। उनकी अध्यक्षता में एक भारत सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग ने अपना रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं सौंपा है। अब बात आती है कि एनसीबीसी होता क्या है। एनसीबीसी का पूरा नाम हुआ नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसका गठन 14 अगस्त 1993 को किया गया, लेकिन गठन के तुरंत बाद इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा नहीं दिया गया। इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा 102 में संविधान संशोधन के अनुसार दिया गया है और यह 123वां बिल था। बिल और एक्ट में अंतर होता है। जब बिल पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है या दोनों सदन से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति जी उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो बिल जो है वो अधिनियम का रूप ले लेता है। तो आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कितना नंबर का बिल था तो 123वां बिल था और एक्ट कितना था तो 102वां संविधान संशोधन एक्ट था। जब आर्टिकल 330A और 330A और 330B पढ़ते हैं हम लोग तो बी में बताया गया है कि इस आयोग में कितने सदस्य होंगे। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। घाना कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त में कोविड के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। घाना जो अफ्रीकी देश है ये कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त में कोविड के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। कोवैक्स योजना की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा किया गया। WHO मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस योजना के तहत कम विकसित देशों को वैक्सीन मुक्त में दिया जाएगा। यानी WHO का ऐसा प्लान था कि जो कम विकसित देश है, जो गरीब देश है, उसको COVID-19 का टीका मुक्त में दिया जाएगा, जिसका पहला फायदा, जिसका सबसे पहले जो फायदा उठाने वाला देश रहा उस देश का नाम है घाना। चीन ने ये घोषणा की है कि चीन में गरीबी का उन्मूलन हो गया, यानी चीन से गरीबी का उन्मूलन हो गया है, इसकी घोषणा चीन ने किया है। यह लक्ष्य UNO द्वारा घोषित सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास लक्ष्य के तहत किया गया है। UNO ने 2030 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा है। UNO के अनुसार $1.25 से कम प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति गरीब होता है। भारत भी इस योजना के तहत काफ़ी सराहनीय प्रयत्न कर रहा है। इस हफ्ते दो प्रमुख न्यूज खेलकूद संबंधित उभर कर आया है, जिसमें सर्वप्रथम है दीपक कुमार का संबंध मुक्केबाजी से है और विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। साथ में भारत WTC में क्वालिफाई कर गया है, वहां पे भारत न्यूजीलैंड से अपना मुकाबला करेगा। WTC की शुरुआत इसी साल हो रही है प्रथम बार और इसका पूरा नाम हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हम रिपोर्ट की बात करते हैं। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट स्टेट फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि COVID-19 महामारी दुनिया भर के बच्चों पर क्या प्रभाव डालेगी। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। 375 मिलियन बच्चों को ये प्रभावित करेगी। बाल मृत्यु दर में वृद्धि होगी। शिक्षा और कार्य उत्पादकता में वृद्धि होगी। सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट इस बात का है कि 115 मिलियन अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी में जा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो UNO द्वारा जो घोषित किया गया है 2030 तक गरीबी हटाने का यानी गरीबी मिटाने का, उस लक्ष्य में कहीं न कहीं दिक्कतें आएंगी।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इस योजना के तहत केरल राज्य ने स्मार्ट आंगनबाड़ियों का डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत केरल राज्य में स्मार्ट आंगनबाड़ियों का डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है। ICDS की शुरुआत 1975 में हुई थी, उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इस योजना के तहत बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों और आपूर्ति को किया जाता है, जैसे पोषण, शिक्षा, गर्भ निरोधक परामर्श आदि। इस योजना में 6 वर्ष से कम बच्चे और उनकी माताओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, इस मिशन की शुरुआत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। इस मिशन देश के सभी शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। यह मिशन देश के सभी शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। आइए हम लोग इस हफ्ते में जो पर्सनल न्यूज में हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पर्सनल न्यूज में चर्चित व्यक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन श्री विक ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड में प्रदान किया जाएगा। नासा ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक भाव्या लाल को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है। नासा अमेरिका की स्वतंत्र स्पेस एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपनी नई पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। यह बुक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसीलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि दलाई लामा बनते कौन हैं, दलाई लामा बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है और अभी कितने नंबर के दलाई लामा हैं। तो आगे हम लोग फैक्ट देखते हैं। दलाई लामा की उपाधि तिब्बती लोगों द्वारा गेलुकू या तिब्बती बौद्ध धर्म के थेलो हेट स्कूल, यानी तिब्बती बौद्ध धर्म में बहुत सारे स्कूलों का कंसेप्ट है, उसमें एक स्कूल है थेलो हेट स्कूल के आध्यात्मिक नेता को दी जाती है। तेंजिंग ग्यात्सो को, कौन है तेंजिंग ग्यात्सो समूह वर्तमान में 14वें दलाई लामा है। तेंजिंग ग्यात्सो समूह यह भारत में अतिथि के रूप में रह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज यह रहा इस हफ्ते का, यह रहा है अंजलि भारद्वाज को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी अंजलि भारद्वाज को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो सीरीज को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।